आज हम लोग जा रहे हैं क्रूज में बैठने के लिए, उसमें बैठने के लिए सेंट्रल की तरफ चलती हैं, तो वहाँ के लिए अब हम घर से निकल गए। अब हमें आगे जाके ट्रेन में दो चेंज करनी है, फिर उसके बाद जाके आगे देखें क्या होता है। ये दो जूस लिए क्योंकि आज गर्मी बहुत है। हमारे साथ जो छोटा सा आदमी होता है ना, ये उसकी पुशचेयर है, खुद तो चला जाता है ऊपर उतर के, और ये मुझे लेके जानी पड़ती है। ये क्रूज है, हमने ये बुक किया आज, आज हम इसमें जाके बैठेंगे। बस एक मिनट रह गया ट्रेन के आने में, और ये देखे सामने कहते ही आ गई है बिल्कुल। अब उसके बाद हमें ये ट्रेन लेनी है, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा आधा सफ़र होगा, फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन पकड़नी है। ये जुबली लाइन होती है, फिर उसके बाद जो ट्रेन लेनी है वो मेरे ख्याल में मेट्रोपोलिटन होती है। वो कोने वाली सही है ना। और यहाँ पे देखें लोग मोबाइलों में ऐसे मसरूफ रहते हैं जैसे इनका कुछ खो गया मोबाइल में और उसको ढूंढ रहे हैं। देखें तीनों उसी में ही लगे हुए। अब यहाँ से हमारा आधा रास्ता तो हो गया था, अब हमें यहाँ से दूसरी ट्रेन लेनी है प्लेटफॉर्म चेक करके, क्योंकि पता ही नहीं चलता इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए होते हैं यहाँ पे। ये देखें ना लोग आगे जा जा के पलट के वापस आते। उसके बाद मेरे ख्याल में वापस वहीं जाना है हमें जहाँ से हम आए। और वो सामने जो ट्रेन के गेट बना हुआ है ना, ये पहले नहीं बना हुआ था गेट, डायरेक्ट हम ट्रेन में बैठ जाते थे। ये देखें ये पूरा जो बना हुआ है ना, ये बाद में बनाया गया है। आ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो। इस तरफ जाना है, वो देखो वो लगा वो पड़ता है। क्या हुआ? ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है ना, ये देखें इतने महंगे महंगे ना इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ना भीख मांग रहा है। अगर ये पाकिस्तान में हो ना तो इसको तो इतना वो करें कि इतने महंगी चीज़ें तेरे पास फिर भी तू मांग रहा है। ये यहाँ से एंट्री का रास्ता था, और इन्होंने यहाँ पे साइन बनाया हुआ था कि इस पर रन भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी के ऊपर बना है ना तो ये हिल रहा था, नहीं तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे। हम लोग समझ रहे थे बस अंदर जाते ही बैठ जाएंगे जाके, लेकिन यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि जो तकरीबन 20-25 मिनट हमें यहाँ खड़ा होना ज़रूरी था मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद जो सामने से बोर्ड अभी आपको नज़र आएगी वो आके खाली होगी, उसके बाद हम बैठेंगे फिर सब ये जितने भी लाइन में हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा है, और इसकी मुझे नहीं समझ में आया कि ये हो सकता है ऐसे चलती हो बोट्स, लेकिन ये पानी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था ना ये, और ये हमारी तरफ राइट साइड आ रहा था। ये देखें जिस तरह लोग कार पार्क करते हैं ना, उस तरह से ये बोट चला रहा था। अब हम लोगों को ऊपर बैठना था, लेकिन ऊपर जो है ये इसकी पुशचेयर अलाउ नहीं कर रहे थे, इस वजह से हम इसको ना फोल्ड करके नीचे रख के फिर ऊपर जाएंगे। चले जी चले।
ये साहब कह रहे थे बस मुझे इस ग्रिल के पास खड़े होने दो, लेकिन मैं ये जाहिर सी बात है खुदा ना खास्ता ये वहाँ से नीचे जाते पानी में, तो मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ता और मुझे सिर्फ डूबना आता है। बस ठीक है, मजा आ रहा है। नहीं बेटा नहीं, बदतमीजी नहीं हुई। ये जो शिप नज़र आ रही है ना सामने, ये इनकी पुरानी नेवी की शिप है। ये इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं खड़ी कर दी है, उसके बाद इसके ऊपर टिकट लगा दिया। लोग आते हैं इसमें अंदर घूमते हैं और इसके अंदर पिक्चर्स लेते हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये है टावर ब्रिज। इसको मैं भी पहले लंदन ब्रिज समझता था। लंदन ब्रिज दूसरा है, वो बिल्कुल नॉर्मल सा ब्रिज है। ये टावर ब्रिज है जो सामने है। इन साहब ने ऊपर आते हुए ना नीचे ये शॉप्स देख ली थी, कैफ़े है, शॉप्स है, बहुत चॉकलेट वगैरह यहाँ पे हैं। तो इसको फिर जाहिर सी बात है भूख लगनी है। यहाँ से इसने चॉकलेट ली, चिप्स लिए, फिर मैंने भी चाय ले ली। सामने वो चाय वाली भी है। बस अब जब नीचे आ गए थे तो हमने सोचा बस यहीं पर एंड करते हैं। असल में जहाँ से इसने हमें पिक किया था बोट ने, वहाँ हमें ड्रॉप भी करती, लेकिन हम ये बीच में उतर गए रास्ते में यहाँ से, क्योंकि स्टेशन भी करीब था तो इस वजह से। और बहुत सारे लोग यहीं पे उतर गए थे और बहुत सारे नए लोग भी बैठे थे। देख लिया मैंने सिटी इस तरफ कह रहा है, इस तरफ जो वो रहा स्टेशन का निशान नजर आया।
अंदर चल के पकड़ते हैं, मिल जाएगी। Parliament. This train.